लखनऊ में आज AIMPLB की अहम बैठक होने जा रही है। जी हाँ, लखनऊ के नदवा कॉलेज में होने वाली इस बैठक में देश भर से बोर्ड के सदस्य लखनऊ पहुंचेंगे। अयोध्या फैसले के बाद बोर्ड की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। बोर्ड की बैठक में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर औपचारिक मुहर लगेगी। बैठक में AIMIM के असुद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद से शामिल होने पहुंच रहे हैं। बता दें कि मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने इस बैठक का बहिष्कार किया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा। तो AIMPLB की आज ये अहम बैठक, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हालांकि इस बैठक से किनारा कर लिया है। अयोध्या फैसले के बाद ये बैठक बुलाई गई है। देश भर के सदस्य आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ओवैसी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। रिव्यू पिटीशन पर इस बैठक में मुहर लगेगी। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, AIMPLB की इस अहम बैठक की बात करें तो क्या कुछ आज खास रहने वाला है? देखिए दीपिका, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जो बैठक बुलाई है नदवा कॉलेज में, ठीक 10 बजे ये शुरू हो जाएगी। वैसे तो हर 3 महीने पे वो अपनी रिव्यू बैठकें करते हैं कमेटी को लेकर, लेकिन आज ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। और कल जो महासचिव हैं वली रहमानी, उन्होंने जब एजेंडा तय किया इस बैठक का, उसमें सबसे ऊपर रखा था अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। और 4 जो पक्षकार हैं, देखिए मौलाना उमर हैं, एक महफूजुर रहमान है, और इसके अलावा हाजी महबूब है, और इसके अलावा एक हाजी असद है। ये 4 पक्षकार हैं जो मामले से जुड़े हुए थे और ये भी पहुंचे हैं उसमें। और इन्होंने कल ही जो एजेंडा तय करने के लिए बैठक हुई उसमें वली रहमानी से साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो उनकी समझ से परे है और इसके लिए हमें इसको रिव्यू पिटिशन डालनी चाहिए। ये 4 पक्षकारों ने कह दिया। लेकिन सब बात है कि जो मुद्दई है इकबाल अंसारी, उन्होंने तो बहिष्कार कर दिया, उनके पास भी निमंत्रण भेजा गया था आप भी आइए, पर इकबाल अंसारी ने बहिष्कार कर दिया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं आ रहा है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो देश भर के नुमाइंदे हैं, जो सदस्य हैं, वो सभी लोग यहाँ जुटेंगे और अयोध्या मामले पर ही आज सबसे ज़्यादा हम कहें तो डिस्कशन होगा, क्योंकि इस वक्त यही मुद्दा उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। आपको याद होगा जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जफर याब जिलानी जो पक्ष भी रखते हैं, वकील भी हैं, उन्होंने तो साफ उसी दिन कह दिया था कि हम इसके लिए रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे। और 3:30 बजे का वक्त रखा गया है आज की इस बैठक के बाद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जाएगी और क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ निर्णय हुआ इस बैठक में, उसकी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। देखिए, एक तबका ऐसा है जो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आया, असउद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से बयान दिया उसको, उसकी यहाँ पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि वो भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो दूसरा जो तबका है वो साफ तौर पर कह रहा है कि वो संतुष्ट हैं, जो भी फैसला आया है वो बिल्कुल संतुष्ट हैं और उन्हें किसी भी तरह के रिव्यू पिटीशन में नहीं जानी है। इकबाल अंसारी से हमने जब भी बात की अयोध्या में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है। और यही लोग जो आज बैठक कर रहे हैं, जफर याब जिलानी, इनके पास जितनी बार भी आप जाइए फैसले के पहले, ये यही कहते थे कि जो फैसला आएगा हम उसे मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे मानेंगे। तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबरान थे वो भी यही कहते थे कि जो फैसला आएगा उसे मानेंगे। जब फैसला आ गया, 5 एकड़ ज़मीन भी दे दी गई, उसके बावजूद अब कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। तो एक तबका तो संतुष्ट है, दूसरा तबका अपनी तरफ से ये कह रहा है कि हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। सही कह रहे हैं अनुभव, लेकिन जिस तरीके से फैसला आ चुका है और जो हालात है वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल नज़र आए फैसले के बाद से ही, दोनों ही पक्षों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आई। लेकिन इस बैठक से जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी किनारा कर रहे हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा, ऐसे में असुद्दीन ओवैसी जिस तरीके की बयानबाजी करते आए, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फैसले के बाद भी इस पर राजनीति की जा रही है। देखिए बिल्कुल, सियासत तो सियासतदान करने वाले कर ही रहे हैं इस मुद्दे पर, और
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि हम एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे ये भी देखना चाहिए। हमारी जिनसे भी बात हुई, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि अगर आप किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कम से कम आप इस तरह की जब कोई बैठक करने जा रहे हैं या कोई फैसला लेने जा रहे हैं इतना महत्वपूर्ण, तो उस कम्युनिटी के बीच जाइए। उनका उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या मशवरा वो दे रहे हैं, क्या वो जाना चाहते हैं, क्या इस मामले को और खींचना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, लंबे समय तक ये मामला कोर्ट में चला और किस तरीके से हम कहें तो इस एक मामले की वजह से कई बार टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो जिस तरीके की स्थिति, हम तो अयोध्या में रहे, वहाँ पर हमें दिखाई दी जिस तरीके से शांति का माहौल, सद्भाव का माहौल अयोध्या में दिखा, पूरे हम कहें उत्तर प्रदेश और पूरे देश में दिखा। अब अगर इस तरीके से रिव्यू पिटिशन वो डालने की कवायद शुरू करेंगे, अपनी बैठक में इस पर चर्चा करेंगे, तो सवाल यही उठता है, क्या जिस 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 कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उन्होंने उसके लोगों से पूछा है, उनसे कोई मशवरा किया है, उनकी राय जानी है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना होगा। सही कह रहे हैं अनुभव। और कल बैठक में एजेंडा तय हुआ, तो क्या आज रिव्यू पिटीशन को लेकर के क्या कोई किसी तरीके की मोहर लग सकती है, ऑफिशियल मोहर लग सकती है आज? देखिए बिल्कुल, क्योंकि देश भर से यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान जुटेंगे और जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि कुछ लोग इससे डिफर भी कर जाएं। वो ये कह दें कि भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हमें उसे मानना चाहिए, क्योंकि सदस्यों की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो चार पक्षकार जिनके हमने नाम बताया, उन्होंने कल वली रहमानी जो महासचिव है उनसे ये ज़रूर कहा है कि हमें समझ में नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हमें रिव्यू पिटिशन के लिए जाना चाहिए। जफर याब जिलानी यही बात कह चुके हैं, असदुद्दीन ओवैसी यही बात कह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग इस पूरी मंशा के साथ आज बैठक में शामिल होंगे कि हम पूरे जो जो बोर्ड के मेंबर हैं उन सभी को मना ले कि इस पूरे मामले पर हमें रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जो देश भर के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं वो यहाँ जुटेंगे, हो सकता है उनमें कुछ लोग अपनी अलग राय लेकर आए, कुछ अलग बात सामने रखें, और क्या कुछ सारी बातें हुई, किस तरीके से डिस्कशन हुआ और क्या फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेगा, ये 3:30 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।